हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आफ्टर बेनहेम इस चैप्टर के वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज प्लेइंग ऑन द ग्रास नियर कैस्पर। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है, हिज ग्रैंडचाइल्ड विल्हेमाइन वाज प्लेइंग ऑन द ग्रास नियर बाय, यानी कि छोटा बच्चा जो है उनका पोता, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, वह पास ही घास पर खेल रहा था। तो इसका ये वाला आंसर जो है, यहाँ पर मैं आपको केवल वन लाइनर्स क्वेश्चन जो हैं वही बता रही हूँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, यानी छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट वाज पीटरकिन डूइंग, पीटरकिन क्या कर रहा था। पीटरकिन वाज प्लेइंग बिसाइड ए स्मॉल स्ट्रीम, वो एक छोटा सा नाला था पास में ही, वहाँ पर खेल रहा था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड पीटरकिन फाइंड, पीटरकिन ने क्या पाया। तो पीटरकिन फाउंड एन ऑब्जेक्ट दैट वाज लार्ज स्मूथ एंड राउंड, उसे कुछ ऐसा मिला जो बड़ा था, स्मूथ था और राउंड था। यहाँ पर ये वाला आंसर जो है। उसके बाद प्रश्न आता है, हु वाज पीटरकिन, पीटरकिन वाज ओल्ड कैस्पर्स ग्रैंडसन एंड विल्हेमाइंस ब्रदर। पीटरकिन जो था वो ओल्ड कैस्पर का पोता था और विल्हेमाइन का भाई था। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट डिड ओल्ड कैस्पर डू व्हेन पीटरकिन केम टू हिम विद द ऑब्जेक्ट। ओल्ड कैस्पर ने क्या किया जब पीटरकिन उनके पास आया, जो सामान उसे मिला था वो लेकर के। तो आंसर है, व्हेन पीटरकिन केम टू हिम विद द ऑब्जेक्ट ओल्ड कैस्पर शूक हिज हेड एट साइट, उसने अपना सिर हिलाया कैस्पर ने और थोड़ी आह भरी सही किया। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट डिड कैस्पर से, कैस्पर ने क्या कहा। तो कैस्पर सेड दैट इट सीम टू बी अ स्कल ऑफ सम सोल्जर हु हैड डाइड इन द ग्रेट विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ ब्लेनहेम। उसने बताया कि शायद ये जो ऑब्जेक्ट आप लेकर के आए हो, किसी सैनिक का सिर होगा, खोपड़ी जो है वो होगी, स्कल यानी खोपड़ी की हड्डियां जो होती है उसे कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब ब्लेनहेम का युद्ध हुआ था, उसमें जो जीत हुई थी उसमें वह सैनिक अपनी जान उसने गंवा दी होगी, तो सिर देख करके ये कहते हैं ओल्ड कैस्पर। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द टोन ऑफ कैस्पर्स वर्ड्स सजेस्ट, कैस्पर के जो शब्द हैं वो क्या क्या बताते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम कैस्पर्स आंसर दैट ही वाज नॉट अपसेट अबाउट द डेथ ऑफ थाउजेंड्स इन द बैटल, रादर द ओनली थिंग दैट कंसर्न्ड हिम वाज दैट इट वाज ए ग्रेट विक्ट्री। उसने उसको जो है अपसेट नहीं था, इतनी सारी जो मौत हो गई थी युद्ध में, उसकी बजाय जो विजय मिली थी, विक्ट्री जो थी, उसके कारण वह खुश था। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाई डज द पोइट यूज ए स्कल, पोइट जो है स्कल वर्ड का यूज़ क्यों करता है। तो सऊदी यूजेज ए स्कल एज इट इज़ द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारी जो स्कल होती है वह हमारी बॉडी का सबसे यूनिक पार्ट होता है। दिस मेक्स यू रिकोगनाइज दैट द स्कल वाज वंस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट वाज रथलेसली किल्ड एंड अगेन एम्फेसाइज द पॉइंटलेसनेस ऑफ वॉर। यहाँ पर खोपड़ी जो है उसके बारे में बात की गई है, और जिस सैनिक को मार दिया गया था और जो युद्ध था उसके बारे में वर्णन करती है। प्रश्न आता है, नेम द टू अपोजिंग साइड्स हु वॉन द बैटल वाज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश लोगों के बीच में और फ्रेंच लोगों के बीच में युद्ध किया गया था। द फ्रेंच वर डिफीटेड, और फ्रेंच की हार हुई थी। क्वेश्चन आता है, आप इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बना सकते हो। अभी जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं कोशिश करूँगी आपको बना करके देने की। व्हाट हैपन टू कैस्पर्स एटीट्यूड सिग्निफाई, कैस्पर का एटीट्यूड क्या बताता है। इन द वॉर कैस्पर्स हाउस वाज बर्न डाउन एंड हिज फादर हैड टू फ्ली अलोंग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो कैस्पर का जो घर था वह जला दिया गया था और उसके पिताजी को भागना पड़ा था उनकी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर के, कैस्पर के पिताजी को। उसके बाद क्वेश्चन आता है,
Why were the children all confused about their grandfather's claims about the war? जो grandfather claim कर रहे थे war के बारे में, युद्ध के बारे में, तो बच्चे confused क्यों थे? The children were confused because he could not explain to them why the war took place. बच्चे इसलिए confused हो गए थे क्योंकि वो यह नहीं बता सका कि युद्ध क्यों हुआ. And what good resulted from it? और इससे क्या अच्छा result आया? All he could say to them was that it was a great victory. बस उसने ये बताया कि एक बड़ी विजय जो थी वो हुई थी, यानी विक्ट्री जो थी उसके बारे में वह बात करता है. Whose family has been referred to earlier in the context? किसकी परिवार के बारे में बात की गई है? Old Casper's family has been referred to. तो बूढ़े कैस्पर के बारे में, फैमिली के बारे में बात की गई है. His house was burned down in the war. उसका घर जो था युद्ध में जला दिया गया था. And his family had to flee. उसके परिवार को भागना पड़ा था. उसके बाद क्वेश्चन आता है, नेम कैस्पर्स ग्रैंडचिल्ड्रन. कैस्पर के ग्रैंडचिल्ड्रन का नाम बताइए. व्हाई डिड द बॉय कम होम? विल्हेमाइन एंड पीटरकिन वर द ग्रैंडचिल्ड्रन. पीटरकिन केम होम एज ही हैड फाउंड ए स्कल व्हाइल प्लेइंग. उसे खोपड़ी मिल गई थी जब वो खेल रहा था, तो वह घर पर ले आया था. उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट मेड द ओल्ड मैन शेक हिज हेड एंड साय? The old man shook his head in sadness for the people who had died in the war. जो लोग युद्ध में मर गए थे उसके लिए उसने एक ठंडी आह भरी साय किया. What was the great victory? Who had won the victory? Great victory क्या थी? तो the battle of Blenheim was great victory and it was won by Austria and England. England इसमें जीता था. How was the great victory a personal tragedy for Casper? उसके लिए पर्सनल ट्रेजेडी कैसे थी? आपको बताया था कि इसका घर जल गया था और पिताजी को भागना पड़ा था बच्चों को और पत्नी को लेकर के. क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द कंट्री अफेक्टेड बाय द वॉर? इन द वॉर नॉट ओनली द सोल्जर्स डाई बट मैनी इनोसेंट्स चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंट वुमन वर ऑल्सो किल्ड. छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी मारी गई थी. हाउसेस एंड फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स वर बर्नड. घर जला दिए गए और खेत जला दिए गए. एंड पीपल हैड टू फ्ली देयर होम्स टू सेव देमसेल्व्स. और लोगों को भागना पड़ा, अपने घर छोड़ करके अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ा था. तो ये जो क्वेश्चन है इससे भी आप कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हो. मैं कोशिश करती हूँ बनाने की. उसके बाद ये देखो, यहाँ तक आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके आपको MCQ बनाकर दूंगी. और अगर आपको किसी और चैप्टर के भी MCQ चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. एक कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि ये गूगल से कॉपी है, तो गूगल से कॉपी है या कहीं से भी जानकारी ली जाती है कोई भी वीडियो बनाने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप चाहें तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं. इसमें पागल बनाने की कोई बात नहीं है. कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि पागल बना रहे हैं यूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जहाँ से भी जो जानकारी मिलती है वो आपको देने की कोशिश की जाती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना. आपको पता ही है नोटिफिकेशंस कितने ज़रूरी हैं पढ़ाई के लिए.